ऑलराइट, सो गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। तो आज बहुत दिनों के बाद क्लाइमेट एकदम क्लियर मिला है, मतलब आज बारिश अभी तक तो नहीं हो रही है। तो मैंने जैसे सोचा, बहुत दिनों से ये मेरे पास लाके पड़ा था, ये टेल डैडी जो मुझे करना था, बहुत कब से पार्ट आ चुका था, बट बारिश की वजह से इंस्टॉल करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो सोचा आज वैसे ही बारिश एकदम क्लियर है तो ये काम पहले आज निपटा लेता हूँ। तो अभी फिलहाल मैं जाने वाले मज़र के पास, अपना पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा कि इंस्टॉलेशन कैसा करना है आरा थिएटर में, ताकि आप लोग भी खुद से कर सको ये काम। तो वही सब दिखाने वाला हूँ, बाकी देखो मालूम है अभी नहीं करना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि अभी बारिश चल रहा है, मगर हमारा वैसे देखो यहाँ पे हगर ऑलरेडी है नहीं, तो कीचड़ वाला फील था वैसे ही ले लेते हैं। तो मैं बोला थोड़ा लुक को एनहांस करते, क्योंकि हम लोग ने टायर भी जो बड़ा डाला है तो टेल टाइडी करने से और अच्छा लुक आएगा उसका। तो चलो ज़्यादा लंबा नहीं करते, फटाफट होते हैं एकदम निकलते हैं, पहले मज़र के पास जाते हैं। और आप लोग को एक और बात बताएं, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे ही ब्लॉग मिलते रहे। तो लेट्स गो। ऑलराइट, तो चलो निकल गए अपने, देखो आज मस्त धूप निकली यार, एकदम पूरा वेदर क्लियर है आज। बस होप सो ऐसा ना हो जाए कि उधर पहुंच जाओ और फिर बारिश चालू हो जाए। और अभी तक और छोटे मोटे काम मेरे को दिख रहे हैं, जैसे कि अभी तक पेट्रोल इसमें भरवाना है, वो भी एक करना पड़ेगा, मगर चलो इसको पहले निपटा लेता हूँ, फिर उसके बाद पेट्रोल का देखता हूँ। तो ये करने का पॉइंट क्या था? पॉइंट कुछ नहीं था, बस पीछे से लुक एनहांस करना था, इसके लिए लगाने जा रहा हूँ। वरना आप लोग सोचोगे इसमें ऐसा क्या है, ये यूज़फुल क्या है, यूज़फुल कुछ नहीं है, बस एक बार एंगल, हाँ अभी सही है, बस लुक थोड़ा पीछे से अच्छा आएगा, क्योंकि अपना पीछे का टायर बहुत सही है, मतलब बड़ा टायर डाला है इस बार, तो लुक पूरा एनहांस करना ही है मुझे। तो बहुत कब से प्लान था एक्चुअली ये, बट ये रह ही रहा था, किसी ना किसी रीज़न से रह ही रहा था मेरे से, तो आज फाइनली अपना टाइमिंग बन गया है और करवा ही लेते हैं। बाकी बहुत दिनों के बाद आरआर चलाने मिल रही है यार, फुल पावर। किधर है हमारे मजर भैया? चलो गाड़ी लग गई अपनी पैडॉक पे, बताओ सही ऐसा कुछ अपना टेल टाइडी। इधर से लाइट भी है इसमें, तो यहाँ से लाइट भी आएगा नंबर प्लेट पे बराबर, और ऐसे कुछ दिखेगा, तो आई गेस ये ऐसा दिखना चाहिए पीछे से, और ये वायरिंग इंडिकेटर्स के लिए सॉर्टेड। तो चलो फटाफट काम चालू हो गया है अपना, देखते हैं अभी इसमें कितना टाइम खाते हैं, क्योंकि आरआर की स्पेशलिटी है, इसको हर चीज़ करने में बहुत लंबा टाइम जाता है। अपना टेल टाइडी पूरा, चलो अभी आपको दिखा था वो टेल टाइडी लगाने के बाद बाइक का लुक कैसे आ रहा है, क्योंकि उधर बहुत अच्छे से दिखा नहीं पाता था, तो सोचा कि इधर रुक के दिखा दो आप लोग को। और सिंपल काम है एकदम, ज़्यादा कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगता है इसमें, एकदम सिंपल है, बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए एक, कि कौन सा फ्यूज़ किधर लगाना है, एटलीस्ट इंडिकेटर और लाइट तो सब हम लगा सके। तो
तो उतना ही मैंने, बाकी तो फिटिंग वगैरह तो इतना कुछ है नहीं उसका, मतलब आप घर में भी कर सकते हो, मैं बता देता हूँ आपको कैसे। बस एक बार एक रुकने के लिए जगह मिल जाए मेरे को अच्छे से तो मैं आप लोग को दिखा पाऊँ। आप लोग को एक बार रुक के दिखा दो बाइक कैसी दिख रही है। तो अभी देखो, अभी पूरा शार्प लुक आ रहा है और हमारा जो बड़ा साइज का टायर हमने डाले थे, अभी देखो कैसे दिख रहा है। अभी टायर देखो कितना मस्त फैट दिख रहा है इधर से, बाकी लुक मस्त आ गया। बस इतना का एक्स्ट्रा वेट निकल गया, जो बाइक का एक्स्ट्रा वेट आ रहा था, जैसे कि अभी इधर ग्रैब रील वगैरह थे वो सब अभी इधर से हट गए। तो अभी बस रॉ बाइक हमारी दिख रही है, परफेक्ट। अभी की लुक पीछे का मस्त शार्प दिख रहा है यार, ये सेक्शन जो आया ना अभी, ये मस्त शार्प दिख रहा है, एक्स्ट्रा कुछ रहा ही नहीं ना अभी इधर। बाकी यार टायर एक बार फिर से देख लो यार, क्या दिख रहा है, कितना मस्त फैट दिख रहा है। इतना आप लोगों को कैमरे में तो भी इतना नहीं दिख रहा हूँ, देखो इस पे से आप जजमेंट लगा लो कितना बड़ा दिख रहा है ये। अभी देखते टायर और ये सब तो हमने कर दिया है, अभी देखते बाइक के परफॉर्मेंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि फैट टायर के बाद मैंने तो बहुत सुना हूँ क्या माइलेज कम हो जाता है वगैरह वगैरह, और भी टॉपिक है। तो अभी देखते कैसे क्या आ रहा है, एक्सपीरियंस क्या क्या आ रहा है हमें, क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों में मैं राइड पर निकलने वाला हूँ तो पता चल ही जाएगा। बाकी एक बार और यहाँ से लुक देख लो बाइक का यार, क्या दिख रही है बाइक, परफेक्ट। सो आई होप आज का ब्लॉग आपको यूज़फुल लगा होगा। तो वो ज़्यादा कुछ सिंपल एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये वहाँ से बोल्ट निकलते हैं, ये इंडिकेटर की जगह इंडिकेटर लगाना, और यहाँ पे जो स्टॉक आता है अपना मडगार्ड वो टाइप, उसमें चार नट रहते हैं, इधर इसमें दो में ही फिट हो जाता है। तो ये आप लोग देख पाओगे, बस इतना सही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आज का ब्लॉग आपको थोड़ा यूज़फुल लगा रहेगा और पता चला होगा कि आप घर बैठे बैठे भी ये सब कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को यूज़फुल लगा रहेगा। अगर आपको यूज़फुल लगे तो आपको पता है क्या करना है, इस ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।